आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। हाथों की जान, मेरा देश महान किसान बन के आया भगवान। रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा चाहता है इंसान। इस चाहत ने बर्बाद किया, 47 में आजाद किया, 57 में जो खून बहा अब बोल रहे सबूत कहां। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। 57 में शुरुआत करी, पूरे देश ने एक आवाज भरी जब मंगल पांडे ने आजादी की मांग करी। शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ जो फौज आई, बाल विवाह और सती प्रथा, इन दोनों पर ही रोक लगाई। आवाज उठी वो दब गई, पर आजादी तो मिली नहीं। घर घुट घुट के ही जीना है तो जिंदगी मैंने जी ही नहीं। शुरू हुई एक और क्रांति, आदि भयंकर राधि शांति, नरम गरम के नाम से अब आजादी भी चली जागती। माथे पे बाघ, हाथों में आग और जलिया वाला बाघ, औरत बच्चे सबको मारा करा रहम का त्याग। हर शख्स रहा था जाग, कई लोग गए थे भाग, पर कुछ लोगों के दिल में चिंगारी बन गई आग। जला दिया सब राख, कर दिया घर में घुस के मारा, दुश्मन के घर में भी गूंजा इनकलाब का नारा। ये देश न तेरा ना मेरा, ये देश हमेशा हमारा। कोशिश करते रहेंगे कि ऊंचा रहे तिरंगा प्यारा। तीन वीर शहीद हुए, आजादी की शमशीर हुए, अब सभी के मन में जन्मा गुस्सा, अब खुद अपनी तकदीर लिखे। रंगून रेजिमेंट आई जब, निहत्ते बहुत शहीद हुए, पर रक्त गिरा धरती पर जब, तो जन्मे जो वो वीर हुए। भारतपुर में चिंगारी फड़ा चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। करें तो क्या करें, तूफानी लहर उठ रही है जापना, उसके साथ नहीं तेरे तो डूब जाएंगे। नमक यात्रा, डांडी मार्च, सूती कपड़ा, सत्याग्रह, एक अलग रास्ता लिया जब तो हुआ सफल सत्याग्रह। आज देश भी आजाद है और लोग भी आजाद हैं, पर कभी कभी लगता है सब हो चुका बर्बाद है।